हेलो दर्शक मित्रों, कैसे हैं आप? मैं मोदी जी बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है मैंने, जो कि है फ्री के अंदर सोलर प्लांट आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस सोलर प्लांट के अंदर मैं आपकी सारी की सारी समस्याएं, जो कि आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, सब कुछ फ्री है। इस सब के लिए मैं जो है फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो कि आपको इस सब के बारे में सब कुछ बताएं। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल, आइए, मोदी जी की तरफ से वेलकम, बताइए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सो मोस्ट वेलकम दिस न्यू वीडियो रिगार्डिंग दिस ईयर। फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सभी को पता है कि देश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अभी कितने हो रहे हैं, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट की जा रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ पे अभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कभी कुछ है। कितनी भी बड़ी सिटी क्या ना हो, इसका मेन एक ही इश्यू है यार, हमारे पास ज्यादा उतने ज्यादा सोर्सेस नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रही है, जस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, पवन चक्कियां लगाई जा रही है। और गवर्नमेंट की एक एडवाइस है, जो कि इंडिया के जो पीपुल्स है, लोग है, उनको गवर्नमेंट बोल रही है, भाई तुम लोग भी सोलर प्लांट लगा लो, हम तुमसे जो है विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, हम वो खरीद लेंगे तुमसे, तुम अपने घर पे लगा लो, अपने लिए लगा लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट यार बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है, क्योंकि सभी को पता है इंडिया की क्या कंडीशन है। सभी जो भी लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, शहरों के जो लोग हैं, उनके पास एक्चुअल में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। अभी यार वो 5 से 6 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई की तक के लिए पैसे नहीं होते, अब वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए कि वो ये सोलर प्लेनेट लगा ले, यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेटें लगा ले, यहाँ पे जो बिजली को डायरेक्टली कनेक्टेड कर दे, इलेक्ट्रिसिटी 11 के 31 के 61 के की लाइनों से कैसे कनेक्ट करेंगे बेचारों के पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन तक नहीं होती, घर में केबल तक नहीं बिछे होते। तो यार इन सब के लिए मतलब गवर्नमेंट भी तो कुछ सॉल्यूशन निकालती है ना, कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे इसको कुछ कर सकती है, उनकी कुछ हेल्प कर सके, कुछ उनको कुछ स्कीम दिला दे, कोई उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, उनके लिए कॉस्ट कम कर दे, स्पेशली कोई कंपनी एडवाइस कर दे। तो यार आज अपन कुछ देखने वाले हैं इसके लिए कुछ प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। ओके, सो जस्ट ये आप देख सकते हो, ये इसकी एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। दर्शक साथियों, तो ये एक वेबसाइट है, सोलर rooftop.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्पिन एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, राइट। सो यार सभी की क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर यही एडवाइस करते हैं कि यार जो है अपनी जो भी एनर्जी है उसको सेव करो, और जो भी सूर्य से किरणें आ रही है उसको जस्ट यूज करो, ज्यादा से ज्यादा उसे बिजली बनाओ और उसका यूज करो। तो आप सभी लोग ने देखा होगा यार, सड़कों पे ऑलमोस्ट जो भी हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है, वहां पे ऑलमोस्ट सब जगह जो है सोलर प्लेटें लग रही है, ऑलमोस्ट सभी उसके ऊपर, और ताकि जो है उसको जलाया जा सके, जो भी हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है उन सभी को, और सब जगह ऑटोमेशन हो रहा है। इंडिया का सबसे जो इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है हमारे जोधपुर राजस्थान भाडला के अंदर, जो है भाडला सोलर प्लांट लगाया जा क्या, जो कि बहुत ही बड़ा है, पूरे वर्ल्ड का जिसे सबसे बड़ा माना जाता है भाडला सोलर प्लांट, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं यार, इसका क्या सीन है, क्या है ये, क्या प्रोसेस है, कैसे भी या फ्री में कैसे मिलेगा, हमें मजाक कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो क्या? तो यार ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर सोलर रूफ टॉप, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। अब ये दिया गया है सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं नहीं मेरी इसकी वेबसाइट ओपन होती है ये, ओके गाइस। तो जैसे आप उसके ऊपर कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे आ जाते हैं। अब आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो ये है कि आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी दूर में आपका प्लेनेट लगाना है, या फिर आप कैपेसिटी लगा सकते हैं। हमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन लगता है वो यही है कि हमारा बजट कितना है, यानी कि हमारे पास पैसे कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे पहले पैसे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पैसों के बिना तो वैसे कुछ नहीं होता, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नौकरी के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है। कितने हो गए, 10,000, ये हो गया 1 लाख रुपए, राइट। अब जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करूंगा, ओके। और जैसे मुझे मेरे घर पे लगाना है तो राइट में रेसिडेंशियल सेलेक्ट करूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे 1 यूनिट का चार्जेज है 8 रुपए, राइट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो आएगा कॉस्ट है, अब आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लगा रहा हूँ ना, तो जस्ट मेरे को 40,000 रुपए तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऐसे ही डिटेक्ट कर देगा, यानी कि 40%, यानी कि जो है 100, 1 लाख में से 40,000 मुझे डायरेक्टली फ्री मिल जाएंगे, यानी 40,000 की सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो 1 महीने के जो अंदर जो हम बिजली बनाएंगे ना, वो होगी 2,000 रुपए की, और 1 साल के अंदर जो बनाएंगे वो होगी 24,000 रुपए की, और पूरे जो है अपन 25 साल के तक चलेगी। एज लिमिट जो IASC ने बताई है इनकी, वो है 25 ईयर तक, राइट। तो यार जो है हम 25 साल में जो है टोटल जो है कितने रुपए की बिजली बना देंगे यहाँ पे, 6 लाख की, यानी कि ये अपन जो बिजली बना रहे हैं ना, ये डायरेक्टली 6 लाख रुपए तो हमें गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। IASC के अकॉर्डिंग हम जो है 98 पेड़ कटने से बचा सकते हैं, और 61 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को EMI लेना पड़ेगा, राइट। तो 8.45% 8.45% के हिसाब से 10 साल के लिए अगर मैं EMI चेक करूँ तो मेरा जो है टोटल मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 51,768 रुपए, और 1 महीने का मेरे को 640 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अब यार जैसे कि अब मैं जैसे मैं अब यहाँ पे 25 साल का देख लेता हूँ, ठीक है, 25 साल का, ठीक है, 415 रुपए पर मंथ, राइट। देखो यार गवर्नमेंट आपका इतना फायदा करवा रही है, जैसे कि अपन जो 1 महीने की जो हम बिजली बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 2,000 रुपए की, ठीक है। और अगर जैसे मैं 10 साल की EMI बना रहा हूँ तो 51,768 रुपए की EMI बनाई है मैंने, मेरे को जो है इस बिजली वाले को या बैंक वाले को या फिर जो भी मेरी सोलर प्लांट लगा रहा है उसको तो सिर्फ मुझे 640 रुपए ही देने हैं, ठीक है। मेरे पास जो है गवर्नमेंट मुझे देगा 2,000 रुपए, तो अगर मैं 500 रुपए की मेरे घर पे अगर मैं बिजली जला रहा हूँ तो भी कितने हो गए, 1,100-1,200 रुपए हो गए, 1,300 मान लो, फिर भी मेरे पास 700 रुपए तो बच रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं देखू ना तो मेरा तो यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, राइट। जैसे मेरे को टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, 51,768 रुपए, ठीक है। टोटल 25 साल में कितने की बिजली बनाऊंगा मैं, 6 लाख रुपए की, कितना पैसा बच गया मेरे का, 5.5 लाख रुपए तो मेरा प्रॉफिट ही आ रहा है ना। और मेरे को क्या एक साथ देने हैं क्या सारे पैसे, कुछ भी नहीं देना भाई, सिर्फ 1 महीने का मेरे को 640 रुपए देना है, और हाँ जस्ट मैं गवर्नमेंट को भेज दूंगा 2,000 रुपए की बिजली, ठीक है। अब मैं तो गवर्नमेंट को दे दूंगा, गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में हर महीने 2,000 डालती रहेगी, और मैं मेरा जैसे बिल देता हूँ वैसा गवर्नमेंट को दो दो जो भी होता है 500, 600, 700, 800, 1,000 वो मैं वैसे ही देता रहूंगा, ठीक है। और मेरा जो भी है 640 देते रहेंगे, जो भी EMI करता रहेगा अपने आप, और जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा तो फायदा ही फायदा है ना, हमको तो एक भी पैसा नहीं देना, EMI बना लो अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे कहने से आप कुछ भी मत करना, पहले आप जो है ये इंटरेस्ट फॉर्म आपको दिखा देता हूँ उसको अप्लाई कर लो, फिर आप उस जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे कॉन्टेक्ट करके अप्लाई करो जल्द से जल्द, ठीक है। फायदा है वैसे बहुत ज्यादा। गाइस आप जो है इसे अप्लाई सोलर रूफ टॉप पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब आप जो है अपना स्टेट चूज करो, यहाँ से मैं अपना राजस्थान चूज कर लेता हूँ। अब जैसे मैं राजस्थान में बहुत सारे मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ,
अब यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो।